तो प्रिंस की टीम के लिए ये एडवांटेज राइट, और प्रिंस यहां पर ये काम कर दिखाएंगे गॉड लाइक क्लच। गॉड को यहां पर नॉक कर दिया गया है ऑफ गार्ड एंगल से आते हुए, बढ़िया फ्लैंक यहां पर मैं कहूंगा सेवन सीज प्रिंस का। नाउ सब तो नियो क्योंकि बनी बन के फाइट जरूर से अपने फेवर में लेके चले जाएंगे। टॉर एच भी सर्वाइव कर रहे हैं, सही समय पर प्रोन आउट हो चुके हैं। गाइस इस इवेंट पे तो मुश्किल रहेगा विकेंडी की वापसी, बट हाँ अपकमिंग जितने भी, अगर मान लीजिए ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है यहाँ पर, तो नो डाउट आपको स्काई स्पोर्ट्स के अपकमिंग इवेंट्स में, नॉट इन दिस, अपकमिंग इवेंट्स में आपको देखने को मिलता हुआ नजर आ जाएगा आपको। बाकी मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा इसके, आप भी सोच रहे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो गाइस आपको करना क्या है, स्काई स्पोर्ट्स के आपको जाना है ट्विटर हैंडल पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए वहां पर #AskSkySports ये टैग यूज इस्तेमाल कीजिएगा और वहां पर अपना जो भी क्वेश्चन को नजर आ जाएंगे। एंड साथ साथ मैं एक बीच में जब मैं रेस्ट कर रहा था ना, मैं भी जब आप दोनों कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने क्वेश्चन भी वहां पर देखे हुए नजर आया था। यहां पर पूछा रहा कि अगर हम 2 लाख लाइव प्लस अगर वॉचिंग रहती है तो बैट यहाँ पर अगर देखा है रॉयल पास गिव अवे भी किया जा सकता है। बहुत आपका रॉयल पास की गिव अवे आप सभी के सामने बहुत ही जल्दी आने वाले, बट अगर आप बात करेंगे प्राइस की तो आपको मिलेगी 7 सीज के प्लेयर्स ना कोड लाइक के प्लेयर्स के साथ एक 4v4 की अर्ली स्क्रिमिश में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बिकॉज सानो का मुकाबला हाई इंटेंसिटी होता ही होता है, बट अर्ली फाइट्स कहीं ना कहीं इस मैच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रुख देती जा रही है, इंटरेस्टिंग मोड पर ही आ चुके हैं। प्रिंस ऑफ गार्ड एंगल पर कहीं ना कहीं एक अच्छे सरप्राइज अटैक के साथ, बट कहीं ना कहीं इसका काउंटर भी मुझे दिख गया। प्रिंस जैसे ही यहाँ पर स्पेस देने की कोशिश करेंगे, आई थिंक क्लच गॉड की नजरें प्रिंस पर रहने वाली है। सामने 3v3 की फाइट चल रही है, दोनों टीम से एक एक फ्लैंकर्स हैं, बट क्लच गॉड मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अभी तक के लिए यहां पर प्रिंस को स्पॉट किया। क्लच गॉड को यहां पर नॉक नहीं हो रहा, बिकॉज़ अगर यहां से क्लच गॉड नॉक हो जाती है तो प्रिंस की टीम के लिए ये एडवांटेज राइट, और प्रिंस यहां पर ये काम कर दिखाएंगे गॉड लाइक क्लच। गॉड को यहां पर नॉक कर दिया गया है ऑफ गार्ड एंगल से आते हुए, बढ़िया फ्लैंक यहां पर मैं कहूंगा 7 सीज प्रिंस का। नाउ सब तो नियो क्योंकि बनी बन के फाइट जरूर से अपने फेवर में लेके चले जाएंगे। टॉर एच भी सर्वाइव कर रहे हैं, सही समय पर प्रोन आउट हो चुके हैं। क्या हील करके यहां पर वापस से कमबैक कर पाएंगे, बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी है सारंग के साथ, 1v1 की है फाइट, बट ये फाइट के अंदर एचपी अगर आप देखेंगे तो नियो की बहुत ज्यादा कम है। जी गॉड पीछे से कवर मार देने के लिए बिल्कुल सही तरीके से आ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं यहां पर जो दूसरा प्लेयर नॉक था उनको मौका मिल पाएगा। क्या रिवाइवल मिला है, क्या हीलिंग करी है यहां पर अभी के लिए नियो ने, और क्या बेहतर कवर वापस जी गॉड की तरफ से आता हुआ। अब जब 1v1 की फाइट पूरे तरीके से एचपी की बराबर हो चुकी है, तो सारंग को यहां पर डाउन करने की बारी आ चुकी है। पीछे से अलादीन कवर मार दे सकती है, नियो कितना कम पहुंच है, नियो कितने काम है, कहीं ना कहीं कूद कर नहीं जा रहे, बट जब कूद के जाएगी तो सीधा डाउन निकाल कर आएंगे। देखते ही यहां पर बैकफुट पे तक ली जा चुके हैं, क्लच गॉड अभी तक फिनिश हो रही है, तो उन्हें भी वहां पर रिवाइवल का चांस आता। बैकफुट पर 7 सीज की टीम जो टेबल टॉप कर रही थी, वो अर्ली इन द मैच फाइट में इन्वॉल्व होने के बाद काफी ज्यादा पीछे टेबल में अब जा सकती है। देखिए प्रिंस ने जो एक स्मार्ट मूव था प्रिंस की तरफ से, उन्होंने इनिशिएट करा वहां पर क्लच गॉड को, उनके आइजल को नॉकआउट निकाला, देन उसके बाद प्रिंस का फिर से नॉकआउट हो जाना। और यहां पर ये जो नियो ने अपना एक बोल सकते हैं ना कैमियो यहाँ पर खेला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि वहां से नॉकआउट नहीं निकलते खिलाड़ियों का टीम 7C का, तो माइट बी कंप्लीटली वाइप आउट यहाँ पर हो सकती थी। प्लस वो अपने आप को हील करना, मैं भी वो उस जगह पे मतलब उनकी आई गेस 5-10 एचपी सर्वाइव कर रहे थे, एंड वो जो उनको पॉज मिला 3-4 सेकंड का, उन्होंने फायदा उठाया उस चीज का। वेल एग्जैक्टली 7 सीज के अलादीन आपको मिल जाएंगे, और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूँ जो टेबल में टॉप पर है और जो टेबल में बॉटम पर थी उनकी आपस में फाइट हो जाती है, और यहाँ से ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बहुत उतार चढ़ाव आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। 7 सीज डाउन, क्लच गॉट जो नॉक थे उन्हें रिवाइवल मिल चुका है, दे आर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट मूव, बिकॉज अब जोन का तीसरा शिफ्ट भी आने वाला है, दूसरा शिफ्ट आने वाला है, तीसरा सर्कल हमारे सामने आएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.